नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बड़ी संख्या में भर्तियां कराने जा रहा है। आयोग को जून से दिसंबर के बीच 1.5 दर्जन परीक्षाओं का आयोजन कराना है। आरओएआरओ परीक्षा में पेपर लीक की घटना के बाद आयोग ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, स्टाफ नर्स प्रारंभिक परीक्षा, सहायक नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा, अपर निजी सचिव परीक्षा और स्टाफ नर्स एलोपैथी मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। ये परीक्षा भी आयोजित की जानी है। इसके अलावा आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा भर्ती, राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए भी रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है। विभिन्न कारणों से इन भर्तियों के लिए विज्ञापन अभी जारी नहीं किए गए हैं। विज्ञापन जारी होने के बाद इन भर्तियों के लिए भी परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स के सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इसके लिए नोटिस जारी हो चुका है। आरआरबी आरपीएफ के इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। आवेदन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rpf.indianrailways.gov.in पर जाकर किया जा सकता है। आवेदन आज से शुरू होकर 14 मई तक किए जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्राउंड वाटर लेवल लगातार नीचे जा रहा है। गीतापल्ली के आजाद नगर में 10 साल पहले 80 फुट पर मिलने वाला पानी अब 240 फुट पर मिल रहा है। ऐसे में नलकूप फेल होने से पानी की दिक्कत शुरू हो गई है। इसे देखते हुए नलकूप को रिबोर करवाने की तैयारी चल रही है। लखनऊ के कई इलाकों में भूजल की यही स्थिति है। पानी तेजी से रसातल की तरफ जा रहा है। खुद जल संस्थान और जल निगम के आंकड़ों के अनुसार 10 साल पहले तक जिन इलाकों में नलकूपों के लिए महज 80 से 100 फुट तक बोरिंग करवानी पड़ती थी, वहां अब 220 से 240 फुट तक बोरिंग करवानी पड़ रही है। बीते वित्तीय वर्ष में कानपुर ने नई कारोबारी इकाइयों के खुलने के मामले में प्रदेश में सबसे तेज 72% से अधिक की वृद्धि दर हासिल की है। ये वृद्धि दर नोएडा, लखनऊ और गाजियाबाद से भी ज्यादा है। हालांकि कुल इकाइयों की संख्या में ये तीनों शहर अभी कानपुर से आगे हैं, लेकिन इकाइयां खुलने की ताजा रफ्तार से उम्मीद बंधी है कि एक बार फिर कानपुर अपना पुराना गौरव हासिल कर सकता है। बता दें कि कानपुर सूक्ष्म लघु उद्योगों का गढ़ है। यही क्षेत्र शहर को संभाले हुए है। बड़ा निवेश नहीं आ रहा है, पर शहर के उद्यमी अपने उद्योगों का विस्तार कर रहे हैं। नए लोग भी उत्पादन इकाइयां शुरू कर रहे हैं। एमएसएमई को 15 से 45 दिन के भीतर भुगतान का भी असर दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर अब तक 54 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिडवा ने बताया कि बिना अनुमति के सभा व भाषण करने, मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी बांटने, वाहनों में बीकन लाइट फ्लैग के दुरुपयोग एवं अन्य मामलों में 54 FIR और 5 NCR दर्ज की जा चुकी है। इसके अलावा वाहनों में बीकन लाइट फ्लैग के दुरुपयोग के 1230 मामलों में और लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के 2188 मामलों में कार्रवाई की गई है। विगत 1 मार्च से 13 अप्रैल तक कुल 146.36 करोड़ रुपए कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं और नकदी आदि जब्त हुई हैं। इसमें 24.65 करोड़ रुपए नगद शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मस्थान के इतिहास पर फिल्म बनने जा रही है। पीपीपी प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनने वाली इस फिल्म के प्रोड्यूसर प्रकाश पाटिल और डायरेक्टर गौरव मिश्रा होंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष एवं पक्षकार अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह सह निर्माता होंगे। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग जून के मध्य में शुरू हो जाएगी। 70% कलाकार ब्रज के होंगे। ब्रजवास में ही इसके अधिकांश बोल लिखे गए हैं और फिल्म के डायरेक्टर गौरव मिश्रा के अनुसार ये फिल्म ऐतिहासिक होगी। दुनिया में पहली बार बनारसी साड़ी और रेशमी कपड़ों का फैशन शो काशी में हुआ, जिसमें बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह और कृति सेनन के साथ 40 मॉडल्स ने जलवा बिखेरा। फैशन शो के परिधानों को जाने माने इंटरनेशनल डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया था। उन्होंने बनारसी साड़ी को इंटरनेशनल और हाई प्रोफाइल लोगों तक पहुंचाने के लिए काशी के 22 बुनकरों को गोद भी लिया है। वहीं बनारसी हथकरघे पर बुने कपड़ों की ग्लोबल रीच के लिए 20 देशों के राजदूत को भी बुलाया गया था। उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी की तलहटी में सिल्ट और प्लास्टिक जम गई है। इससे भूजल रिचार्ज बंद हो गया है। ऐसे में यमुना में पानी कम होने के कारण प्रदूषण बढ़ेगा। इससे ताज सहित अन्य स्मारकों में गोल्डी कारोनोमस जैसे कीड़ों का हमला बढ़ सकता है। इसकी डी सिल्टिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस पर 22 अप्रैल को सुनवाई होगी। बता दें कि यमुना में सिल्ट जमा होने से जल धारण क्षमता घट गई है। सिल्ट के नीचे प्लास्टिक की परत भी जमी हुई है। इससे यमुना में भूजल रिचार्ज प्रभावित है।
भारतीय सेना के साथ मिडिल ईस्ट के देशों से हुए रक्षा सौदों के क्रम में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर में अगले साल से 45 किलोमीटर दूरी तक मारक क्षमता वाली 155 mm तोपों के गोले बनने लगेंगे। फिलहाल यहां पर 25 से 30 किलोमीटर मारक क्षमता वाली तोपों के गोले तैयार होते हैं। रक्षा मंत्रालय के DPSU एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड की अरमापुर स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर में भारी भरकम गोले बनाने के लिए फोर्जिंग प्लांट बनना शुरू हो गया है। ईरान इसराइल के बीच तनावपूर्ण माहौल ने निर्यात पर प्रभाव डाला है। आर्टवेयर ताला हार्डवेयर का निर्यात हो या इलेक्ट्रिक फिटिंग्स का, हर क्षेत्र में निर्यात कारोबार प्रभावित हो रहा है। आर्टवेयर ताला हार्डवेयर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आदि को एक्सपोर्ट करने वाले उद्यमियों के कंटेनर अलीगढ़ से मुंबई तो रवाना हो गए हैं, मगर अब कंटेनर की खेप बंदरगाहों पर ही अटक जाएगी। इससे निर्यात में देरी होगी और उद्यमियों को नुकसान होगा। दो देशों के बीच तनाव के चलते लगभग 125 करोड़ रुपए का निर्यात कारोबार प्रभावित हो रहा है। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।